और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कल शाम से जननायक जनता पार्टी के वर्कर्स को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी टेलीफोनिकली फोन कर रहे हैं। पहले तो चाय की डिमांड कर रहे हैं, और जब चाय की डिमांड के लिए वो व्यक्ति मना कर रहा है तो आपको हैरानी होगी, उसको धमका भी रहे हैं कि तू मुझे जानता नहीं। यानी अपना रंग आज जब ये देख लिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हालात देख लिए कि कुछ बचा नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट तय हो चुका है, लोगों ने मन बना लिया, तो अपने पुराने रंग में फिर से रंग गए। एक वीडियो कल से वायरल हो रही है, हम देख रहे हैं कैसे लोगों को कहा जा रहा है कि कोई गांव में आए तो उसको पीटी हो, उसकी टांगे तोड़ देना। औरतों को, महिलाओं को, हमारे इलाके के शांतिपूर्वक इलाका है उसमें कहा जा रहा है कि डंडों से लोगों को पीटना। यानी कहां ले जाना चाहते हैं हम? राजनीति का स्तर कितना गिर जाएगा? युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब ये कहेंगे कि डंडे हाथ में उठा लो और टांगे तोड़ दो। क्या हमने कभी इसकी कल्पना की थी? मैंने तो खुले तौर पे कहा कि जब बटन दबाने जाओ तो नरम और गर्म में से चुनना है। सिरसा जिले के लोग ठंडा आदमी और नरम पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को मत डलेंगे, 2 को पेटियां खुलेंगी, एक इतिहास नया रचने जाएगा इलाहाबाद के अंदर। अपने जेजेपी के वर्कर से कि टेलीफोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखना। रिकॉर्डिंग कुछ मेरे पास आई भी है, जरूरत पड़ेगी तो कल हम आपसे मिल करके उन सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे। मगर हम क्योंकि जिम्मेवार लोग हैं, हमें अपनी परिवार की हर उन सीमाओं का भी पता है, हम उस हद तक नहीं जाना चाहते। कार्यकर्ताओं से कहूंगा, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से, हौसले से, शांति प्रिय तरीके से पोलिंग कराएं। प्रजातांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेसी, इसी के लिए इसको वाइब्रेंट कहते हैं हम। सबको अधिकार है बात कहने का, सीमाओं में रह करके। एथिकल और मॉरल वैल्यूज डाउन ना हो, मगर अगर कोई धमकाए, कोई डराए, कोई टांगे तोड़ने की बात करे तो फिर इस गलतफहमी में वो व्यक्ति ना रहे, क्योंकि हरियाणा में कानून का राज है, कब्जा धब्जा का राज नहीं है। मुख्य मुद्दा यही था कि संयुक्त किसान मोर्चा की डेफिनेशन मैं समझ नहीं पाया, आप नहीं समझ पाए। कल जो तमाशा हुआ वो तो बड़ा हैरान करने वाला था। तो आप सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद था कि लोगों के सामने इस बात को लाया जा सके। आप सबका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।